नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। सो ये कॉलेज बेसिकली गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेज है और दिल्ली में है, दो अलग अलग लोकेशन पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है इसकी लोकेशन को लेके, तो मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूं कि जो अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है गीता कॉलोनी में, उसमें अलग कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं और अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है निर्माण विहार में, यहाँ पर अलग कोर्सेज होते हैं। दोनों के लिए ही सेपरेट वेबसाइट्स हैं, बट दोनों का एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो होता है आईपी यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो आप अप्लाई करोगे आईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे जो भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, और फिर वहाँ से काउंसलिंग के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो हम एक एक करके दोनों ही इंस्टीट्यूट्स के बारे में सेपरेटली डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च की ये वेबसाइट है। इसका पहले नाम था अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ये जो है गीता कॉलोनी वाले इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। अब यहाँ पे वेबसाइट पे आप देख सकते हो ऊपर एक सेक्शन है प्रोग्राम्स का, तो यहाँ पे ग्रेजुएट कोर्सेज में होता है बीटेक ऑफर किया जाता है, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड बीटेक ईसीई। तो यहाँ पे सीट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। आप जैसे कि देख सकते हो कि सीएसई में सिर्फ 60 सीट्स हैं और ईसीई में 120 सीट्स, और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जो स्पेशलाइजेशन होती है बीटेक में यही है, तो उसके अकॉर्डिंग सीट्स काफ़ी कम है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। इसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट, सो पोस्ट ग्रेजुएट में यहाँ पे एमटेक कोर्स किया कराया जाता है, जिसके लिए यहाँ पे सीट्स हैं 18, तो यहाँ पे भी लगभग टोटल आपकी 60-80 सीट्स हैं एमटेक करने के लिए। अब हम बात करते हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख सकते हो तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हो प्लेसमेंट स्टेटस इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। लास्ट ईयर 2019 में यहाँ पे बहुत ही अच्छे रिक्रूटर्स आए हैं, जैसे कि TCS, E&Y, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, सैमसंग, एसकॉम जैसी कंपनीज यहाँ पे आके प्लेसमेंट देके गई है स्टूडेंट्स को, और जितनी स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की उसके अकॉर्डिंग आप कंपेयर करते तो 106 बहुत अच्छा नंबर है जिन्हें स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्लेसमेंट मिली है। देखो बहुत सारी कंपनीज है जो 100% प्लेसमेंट लिखती है, कॉलेजेस है जो 100% प्लेसमेंट लिखते हैं, बट लिखने से कुछ नहीं होता है, एक्चुअल रिकॉर्ड आपको दिख रहा है कि इतने रेप्यूटेड कॉलेज में आपको आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स 106 बच्चों को यहाँ पे प्लेसमेंट मिली है, तो ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है। और फीस की अगर हम बात करें तो बीटेक की जो फीस है यहाँ पे 4 ईयर की फीस होती है अराउंड 1.6 लाख, मतलब पर ईयर आपकी फीस होगी 40-45,000 पर ईयर के अराउंड में। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कॉलेज जो है हमारा अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये सेकेंड कैंपस है, उनकी वेबसाइट भी अलग है, और ये कॉलेज है आपका शकरपुर निर्माण विहार के पास। तो अब यहाँ पे हम जो कोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है BCN बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ के बारे में, और इस वेबसाइट का जो डोमेन है वो है AMVP.in। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं अकेडमिक्स में और एडमिशन्स में। तो सबसे पहले हम एडमिशन्स में मूव करते हैं, तो एडमिशन में आप देखते हो BCA एंड BVoc जो कोर्स है ये दोनों IP यूनिवर्सिटी के थ्रू हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं लैब्स को अगर आप देखते हो, और उसके कंपैरेटिवली जो फीस होती है इंस्टीट्यूट की बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। तो BCA की अगर हम बात करें तो BCA के बारे में कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ इसमें। सो BCA आपको IP यूनिवर्सिटी के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लेना होता है, और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपकी जो रैंकिंग होनी चाहिए ये है अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की लास्ट ईयर की कट ऑफ, और कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपका जो मिनिमम रैंक होना चाहिए वो है 599 फॉर दिल्ली स्टूडेंट, और ये आपका थर्ड राउंड की कट ऑफ है। तो आउट ऑफ 6000 स्टूडेंट आपकी जो कट ऑफ गई है वो गई है 600 की, तो 600 आपका रैंक आना चाहिए IP में अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो BCA प्रोग्राम के अंदर। तो ये 3 साल का आपका कोर्स रहेगा, और इसकी जो फीस रहती है पर ईयर की वो 35-40,000 पर ईयर के बीच में रहेगी, और यहाँ पे प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी आपको मिलती है क्योंकि ये एक टेक्निकल कॉलेज है, टेक्निकल कैंपस। यहाँ पे सिर्फ BCA नहीं हो रहा, BVoc नहीं हो रहा, यहाँ पे पॉलिटेक्निक के भी काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ITES एंड M, ये सारे के सारे कोर्सेज है जो टेक्निकल कोर्सेज है।
और बैचलर वोकेशनल के लिए भी आपको आईपी यूनिवर्सिटी के थ्रू ही यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। बीसीए के लिए भी आपको यहाँ पे आईपी के लिए ही फॉर्म फिल करना होगा। मिनिमम आपके पास 50% होने चाहिए क्लास ट्वेल्थ में, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, ये सब सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी जगह पर लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ की अगर हम प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें तो एवरेज स्टूडेंट को यहाँ पे 3-4 लाख पर एनएम का पैकेज मिल जाता है। और इसके साथ साथ आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर यहाँ पे काफ़ी मिलता है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है और आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो बाकी लोगों के मुकाबले, आपका कोडिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे काफ़ी मिलती हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे इंटरनेशनली भी विजिट करके आए हैं जिनको काफ़ी अच्छी करियर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। सो फ्रेंड्स, ये थी डिटेल्स अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल हायर एजुकेशन के साथ इसी तरीके के एजुकेशनल कॉन्टेंट के लिए। थैंक यू सो मच।